स्टैंडिंग पोस्चर, हैंड्स एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड, ठीक है। एंड नंबर थ्री स्पीच, कि वो कहती क्या है, विद टोनैलिटी, ठीक है। एंड नंबर फोर इंगेजमेंट विद द ऑडियंस। और मैंने कुछ भी बोलना जो दिल करे, नासर मदनी को बोल दो, कोई मसला नहीं। चलो ठीक है, सो योर टाइम स्टार्ट्स, आई विल गिव यू एग्जैक्टली, आपको स्टॉप वॉच ऑन कर देता हूँ मैं। ओके okay. कितनी देर है यार, एक सेकंड ठहरो, पहले स्टॉप वॉच के ढूंढने दो, कहाँ होती है इसमें इसमें होती होगी शायद, हाँ इसमें टाइमर, टाइमर है जी आपका। हाँ जो टेक्निकली तो वही है जो आपने सीखा है उसी को बताना, लेकिन वो चूंकि उसके फर्स्ट डे नहीं आई हुई, आप लोगों के लिए वही रहेगा, वो फर्स्ट डे नहीं आई हुई। हमने बोलना भी वही है जो सीखा है। जी मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर आप लोगों के लिए तो 100% वही है। अच्छा। ये चूंकि फर्स्ट डे नहीं आई थी तो इसको इसलिए इसको फर्स्ट डे की चीज़ों का नहीं पता। सर कल भी हमने वही 20% डिस्काउंट है सर, कल भी हमने वही किया था जो हमने फर्स्ट डे ऑलमोस्ट किया, नहीं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। चलो जो कल वाले बोल दो, ठीक है आ जाओ, डन हो गया, चलो आ जाओ आ जाओ। योर टाइम स्टार्ट्स, 1 मिनट है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Go back and come again. Okay. आप लोगों में से किसी ने क्यों नहीं कहा उसको? सर हमें बोलना भी चाहिए था, आपने कहा स्कोरिंग देने। इतनी ज्यादा नेगेटिव एंट्री थी कि आपको क्यों नहीं कहा गया? एक तो हाथ उसके फोर्थ नहीं तो वो उसको आप लोगों ने रोकना है, आप लोग जजेस हो। मैं तो पहले भी नहीं आई। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज को इसलिए रोकना है क्योंकि आप लोगों को, मैं जब मार्किंग अपनी जगह रही, बट आप लोग उसको अगर, क्योंकि जाहिर है पहले दिन नहीं आई भी ना, उसको कुछ चीज़ों का नहीं आइडिया होगा। इवन हमसे भी मे बी ये मिस्टेक, हाँ तो हो, जब इस लेवल की होगी तो मैं रोकूंगा। ठीक है चलो स्टार्ट। हाथ नहीं बंद करने, नहीं स्टार्ट बहन, हाथ नहीं बंद करने तो बोल, तो हाथों को क्या करने अभी स्टार्ट। ओके अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम विकी यूसुफ चौधरी और मैं एक आर्टिस्ट हूँ और पेंटर भी हूँ और मैं अपने आर्ट और पेंटिंग के थ्रू लोगों को हील करती हूँ और साइकोलॉजी मेरा बचपन से इंटरेस्ट रहा है, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि मैं काफ़ी चीज़ों को ऑब्जर्व करती हूँ, लेकिन मुझे था कि एज एन आर्टिस्ट ऑब्जर्व करती हूँ। फिर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, जैसे लोगों के मैं एक्सप्रेशन रीड करती थी और उनको पेंट करती थी, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो खाली सिर्फ पेंटिंग का मीडियम नहीं था, मेरे पास एक और मीडियम था जिसके थ्रू मैं एक्सप्रेस कर सकती, वो था साइकोलॉजी। टाइमर बंद नहीं हुआ अभी तक, मुझे किसी ने टाइमर नहीं बताया, सॉरी। ओके टाइमर चल रहा है इसलिए मैं बोलूँगी और जो भी दिल में आएगा बोलूँगी, सो जो भी दिल में आ रहा है वो बोल रही हूँ और ये 1-3-2-1-0 हो गया। हाँ जी हाँ जी, अब अपनी मिस्टेक्स खुद बताओ क्या थी। आई वाज वेरी नर्वस, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज थी, मैं सांस बहुत ऊपर चढ़ रहा था और ना मैं लाइक स्टिफबॉडी मूवमेंट्स बहुत स्टिफ, क्योंकि ना ऑब्वियसली है इधर खड़ी होती हूँ ना, इधर खड़े होकर पता लगा लाइक बॉडी मूवमेंट ऐसी थी, अगर किसी ने मुझे जज कर लिया कि मैं गलत स्पीकर हूँ या मैं गलत बोल रही हूँ तो, और मुझसे ना लाइक अपनी बाजुएं खोली नहीं जा रही थी, लाइक बाजू ऑब्वियसली खोलता है जब बंदा रिलैक्स होता है। हां ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, वो क्या थी सर? आज भी सिंगल और फुट स्टेप के ब्रॉड नहीं थे, स्टैंडिंग पोजीशन में क्या मसला था? फुट स्टेप ब्रॉड नहीं थी, ब्रॉडनेस नहीं, नहीं वो ठीक है, एक और थोड़ा सा ऐसे वो भी था, क्यों था ऐसे? नहीं क्यों था ऐसे, एक टांग अपना वो ऐसे टेढ़ी क्यों खड़ी थी? बैलेंस नहीं था ना सर। किस चीज का बैलेंस नहीं था? स्टैंडिंग में क्या चीज गलत थी सेंटर में, स्टैंडिंग में क्या, क्यों इस तरह टिल्ट हुई थी? अभी भी ये उसी पोजीशन में खड़ी है, मैं जान के खड़ी हूं ये याद करवाने के लिए कैसे खड़ी। आप लोग उठ के देख सकते हो किस पोजीशन में खड़ी है, एक टांग बेंड करके खड़ी है, बड़ी कॉमन। देखो इसे कहते हैं किस प्रिंसिपल, कीप इट सिंपल। अभी हमने इतनी कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना कि वो क्यों है, क्या है, ये है, सिंपल चीज है, वो एक टांग पे खड़ी है इसलिए वो इस तरह खड़ी है, समझ रही बात की? आप उसकी इतनी कि वो टिल्ट हुई भी है, ये हुई, वो सारी बाई प्रोडक्ट्स हैं। एक टांग पे वजन था वही बेंड हुई थी, लेकिन वो बाई प्रोडक्ट्स है ना, मैं रीजन पूछ रहा हूँ क्यों है। मैं बता दूँ, बैठ जा मैडम, बैठ जा आराम, स्ट्रेस दूर करने के लिए कभी इस टांग पे
कभी इस ब्रांड पे, चलो जी इस ब्रांड पे आसफा सर मैं नहीं अभी अभी ना 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 ना, ना। पहले साइकोलॉजिस्ट दोनों नहीं सर अभी मैं पहले दोनों साइकोलॉजिस्ट है ना इतना क्यों डरती है जल्दी 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 टाइम नहीं है थेम निश्ता थेम निश्ता थेम निश्ता बाबा वो आपने जो सीखा है आपने उसका एक एक कोई एक सेशन पढ़ाना है कोई एक जो कुछ हमने भी डिस्कस किया ठीक है सो यू हैव वन मिनट ओके नहीं इनफैक्ट इन योर केस ठीक है वन मिनट ही रखें वन टू मिनट का मैं टू मिनट हो जाए चलें जी वन वन टू थ्री स्टार्ट अस्सलामुअलैकुम मेरा नाम है आसफा जुमेर और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिप्लोमा कर रही हूँ मैंने सर मोहम्मद अली से एक चीज़ सीखी है कि स्टॉप ट्राइंग स्टार्ट डूइंग तो मेरे ख्याल से हम सबको उसी पे अमल करना चाहिए पॉजिटिव फीलिंग्स आपके अंदर होनी चाहिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए मैं ये काम कर सकती हूँ या मैं ये काम नहीं कर सकती आपको यही कहना चाहिए कि मैं हर एक काम कर सकती हूँ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ अचीव करने के लिए अपने अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स लाना बहुत ज़रूरी है जो मैंने सर से सीखा है और मेरे ख्याल से एक मुकम्मल और एक एक मिनट होने वाला है मुकम्मल कैरी ऑन बस 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 एट सेवन जस्ट कीप ऑन टॉकिंग अभी आसफा की एंट्री होने लगी है हम तो देख रहे बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए मेरा नाम आसफा है मैं एक रोबोट हूँ और मैं सबको खड़े खड़े होने के पोस्चर पे ध्यान जा रहा था ऐसे ही है कि नर्वसनेस में ना सांस आपका आउट ऑफ कंट्रोल होता है बोले ठीक है लेकिन स्टिफ आपको सबसे पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है हमेशा कभी पब्लिक स्पीकिंग करूँगा पहले जाकर ना ये रिलैक्स रिलैक्स ना तो सर वही वाली पोजीशन आ जाती है नहीं 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 मैंने बॉडी रिलैक्स करने को कहा है रिलैक्स करने को नहीं कहा देखो ना ये है बॉडी रिलैक्सेशन का तरीका हमेशा ये ठीक है ये स्ट्रेस इसीलिए आसफा कह रही थी कल कल आप कह रही थी और तेज करें तो क्या कह रही थी बेचारी ये ना ये बॉडी रिलैक्स पैरों के साथ यूँ ये रिलैक्सेशन का प्रॉपर तरीका है ठीक है उससे आपकी बॉडी रिलैक्स होती है आपने अपने मसल स्टिफ कर लिए हाँ स्टेज पे अब देखो ना मैं स्टेज पे आ रहा हूँ अब मैं स्टेज पे आ रहा हूँ ठीक है आई एम कमिंग लाइक मैं नॉर्मल जिस मैं आ रहा हूँ आने के बाद मैंने यहाँ पर आकर अपने आप को देखना है मैंने पिवट करना चाहा फिर उसके बाद आप दोनों की जो एक मिस्टेक थी आप लोग आए हो आने के बाद ऑडियंस कहाँ बैठी है यहाँ पे नहीं यहाँ से शुरू हो रही ऑडियंस थैंक यू उधर उधर कोई बंदा नहीं बैठा मुंडे शर्म आती है मतलब मैं तो कम हो गया यार ये काट दी भाई काट दी मेरी बेगम मेरा मर्डर चिरोट कर देगी मैं भी नागिन डांस शुरू करता हूँ क्योंकि मर्डर शिरोट होने वाला है ठीक है सो आपने अच्छा फिर एक और आप लोग खड़े भी जब मैं आपको सॉरी कट कर रही हूँ जब मैं एंटर हो रही थी ना तो मेरे अंदर इतनी ज्यादा नर्वसनेस थी कि मुझे पता था कि मैंने यहाँ से देखते हुए एंटर होना है लेकिन मेरा आई कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा था नर्वस होने की वजह से इट्स ओके आप लोग देखो एंटर होके बाद में कांटेक्ट इसीलिए आप ये चीज देखो अब ये चीजें आप लोग कहते हैं यार ये कौन सा मुश्किल काम है अब आप मुझे बताओ आपने भी जब प्रैक्टिस जब करती होगी वर यू नोटिसिंग ईच ऑफ दीज थिंग्स वर यू टोल्ड ऑफ ऑल दीज स्मॉल माइनर थिंग्स ठीक है लेकिन आप डेक्लेमेशन कितने लोगों ने की होगी राइट नाउ द पॉइंट इज कि ये वो चीज़ें जो नॉर्मली हमें अपने बच्चों को वैसे ही सिखानी चाहिए ठीक है अब आप देख लो कि माशाल्लाह रियान में सर बैठ के करता है ना प्रोग्राम्स अब आहिस्ता आहिस्ता वो पहले थोड़ा सा घबराता था फिर उसको मैंने कहा अपना चैनल चला वो अपना चैनल पर आपका काम देखो उसका किसी ने अगर देखा हो एडवेंचर्स विद रियान का चैनल है ठीक है उस पर अपना काम देखो वो टोटली डिफरेंट फ्लो में होता है मेरे साथ अच्छा फिर उसका मस्ती का मूड होता है मैं करना लेकिन उसको मैं क्या कर रहा हूँ उसको मैं नेचुरल स्टाइल को अच्छा मेरे बाकी बच्चे जाना उसको लगे अरे अबू के साथ लाइव हो ऐसा नहीं करो मैं तो तुम चुप रहो यार मेरे साथ लाइव है ना तुम्हारे साथ लाइव तो नहीं है सो ये नेचुरल चीज़ें जो है ना हमारी
उनको हमें हैंडल करना आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।